नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील चौधरी, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वेद प्रकाश बेनीवाल सर YouTube पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी कई बार अपनी वीडियो बनाता हूं तो उनकी वीडियो देख के मुझे न्यूज मिलती है, तो मैं भी कई बार कॉपी पेस्ट करता हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, कजाकिस्तान में 7 साल की MBBS हो चुकी है। अब ये मुझे नहीं पता होगी या होने वाली है या हो चुकी है, लेकिन उन्होंने एक एविडेंस जो इस बात को रखने के लिए दिया, उन्होंने बताया था कि वीडियो में आप जाइएगा, एक कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी है जो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसने अपनी जो ऑफिशियली साइट है वहां पर एक नोटिस या फिर कुछ दिया हुआ है, वहां स्पष्ट लिखा है कि 7 साल की MBBS है। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है, एक बार वो क्या बोलते हैं, एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, उसके बाद हम उनकी बात का एनालिसिस करेंगे। आज के स्टूडेंट मदन से आपको बताना चाहेंगे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएटशिप 2021 आने के बाद में कजाकिस्तान में कितने उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि हमने बहुत से पहले वीडियो में भी ये दावा किया था कि 5+2 years यानी 7 years का कोर्स होगा। अभी बहुत सारी वीडियोज बनाने के बाद बहुत से कंसल्टेंट्स के भी कॉल्स है कि नहीं, 5+1 year का कोर्स है, और अभी भी जो 2022 में MBBS कजाकिस्तान में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको अभी भी 5+1 year का कोर्स बताया जा रहा है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक डॉक्यूमेंट हमें मिला है, यानी कि हम आपको एक मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको सब कॉमन नेम से जानते हैं, हालांकि इसके नाम काफ़ी बार चेंज हो चुके हैं, लेकिन पंजाब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी या काज नहीं के नाम से सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स या जो स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहते हैं उसको इस नाम से पहचानते हैं। हम आपको कजाक नेशनल की वेबसाइट पर दिखाएंगे कि वहाँ पर उन्होंने जो है मेडिसिन के लिए 5+2 years इंटर्नशिप लिखा हुआ है, और उसका स्क्रीनशॉट आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और यही सेम लिंक जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का है। अब दोस्तों, आप देखिएगा, ये इन्होंने बताया है, थोड़ी देर बाद मैं भी आपको बताऊंगा। देखो, जनरल मेडिसिन 5+2 years एंटर्नशिप, इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं 5+1 year लिखा हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं, ये आप एक बार थोड़ा ध्यान रखें और आगे क्या बोलते हैं आप बड़े ही ध्यान से सुने। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिखाएंगे और हम कमेंट के जरिए पिन करके भी आपको दिखाएंगे, आप खुद उस लिंक्स के थ्रू जाकर 5+2 years का कोर्स चेक कर सकते हैं। हो सकता है हमारे वीडियो आने के बाद में कुछ दिन में ये लिंक वहां से हट जाए। अब दोस्तों, इन्होंने बताया है कि आप उस लिंक पे जाके चेक करें, तो दोस्तों अभी अपन लिंक पर चलते हैं, वहाँ क्या हो पाता है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी अपन जो इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ पर चल के चर्चा करते हैं। आप देखिएगा, ये इनकी अभी मोर, इस पे जाके अपन लिंक देखते हैं। आप दोस्तों देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा, इस लिंक पे मैंने अभी ओपन किया हुआ है, अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं एक बार आपको एनालिसिस करके पूरी चीज़ों को बारीकी से समझाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ जो इन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट बताया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, अभी मैंने आपको वीडियो पॉज करके बताया था, देखो, जनरल मेडिसिन 5+2 year इंटर्नशिप, ये इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट जानकारी दी है, यहाँ तक मैं और आप दोनों सहमत हैं। लेकिन दोस्तों, अभी अपन ऊपर चल के देखते हैं। आप देखो दोस्तों, ये सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है, आप देखिएगा दोस्तों, 2014-15 अकेडमिक ईयर के लिए ये आया हुआ था। कई बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी चीज़ें डल जाती हैं लेकिन समय के अनुसार वो नहीं हट पाती, आप देखिएगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, है तो MBBS वही, और मैं आपको एविडेंस देता हूँ थोड़ा सा। अब दोस्तों, मैं आपको एविडेंस देता हूँ, आप देखिएगा, ये लिखा हुआ, द यूनिवर्सिटी ऑफर्स 30% डिस्काउंट फ्रॉम द बेसिक प्राइस ऑफ 250 फॉरेन स्टूडेंट। तो दोस्तों, आई ये आप 2014-15 में 250 सीटें हुआ करती थी तब का ये। इसके अलावा आप जानते हो, कजाक नेशनल की लास्ट ईयर $4,500 यानी $1.8 million टेंगे करेंसी थी। 2023 में जो एडमिशन होंगे उनमें दोस्तों 3 million फीस हो चुकी है, लेकिन 2014-15 में दोस्तों ये लिखा हुआ है 10 lakh यानी 1 million फीस थी। इसका मतलब जो ये प्रोस्पेक्टस डला हुआ है ये 2014 या 15 का ही है, अदरवाइज यहाँ देखो आप, ये आपकी 1 million फीस टेंगे में क्यों होती, ये लास्ट ईयर 1.8 से स्टूडेंट पे कर रहे हैं। और देखो, वही पैराग्राफ है, मैं आपको अपडेट करके दिखा रहा हूँ, जिसमें ये लिख रहा है 5+2 year, यही इसमें जस्ट आगे की लाइन है। तो कई बार क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है और ये आगे की जानकारी नहीं ली है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये फीस में भी फिर परिवर्तन होना चाहिए था, अपन इसके बेसिस पर आइडिया लगा सकते हैं कि ये बात 2014-15 की है।
तो मैंने आपको काफी चीजें दिखाने की कोशिश की है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि वेद प्रकाश सर बिल्कुल गलत नॉलेज देते हैं, नहीं दे पाते, लेकिन कभी क्या होता है कोई स्टूडेंट उसी चीज का स्क्रीनशॉट लेके भेज देता है, अपन पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ पाते या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। लेकिन दोस्तों मुझे कन्फर्म नहीं पता कि 7 साल की MBBS है या नहीं है। अगर सर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो हो भी सकती है, लेकिन जो उन्होंने एविडेंस दिया कजाक नेशनल की ऑफिशियली साइट का, वो 2014-15 में जो रूल्स आया था तब का है, उसके बाद वो चेंजेज नहीं हो पाया। कई बार समय नहीं मिल पाता चेंज करने का। पिछली साल 1.8 मिलियन टेंगे थी, आपको दिखाया मैंने 1 मिलियन टेंगे 2014-15 जब वो एकेडमिक सेशन था तभी थी। तो दोस्तों कई बार मिस्टेक हो जाती है, मेरा उद्देश्य सर को नीचा दिखाना नहीं है, मैं भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन जो स्टूडेंट 7 साल का कोर्स समझ के अगर इस एविडेंस के बेसिस पर गलत समझ रहे हैं, अपना बाहर जाने के डिसीजन को चेंज करना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट कृपया करके अपने डिसीजन को इस बेसिस पर चेंज ना करें। कई बार मिस्टेक से काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में क्लिक कर जाती हैं, क्योंकि इस वीडियो का रेफरेंस देख के मैं वहाँ के ब्लॉग्स बनाता हूँ, काउंसलिंग भी करता हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंटों का मेरे पास आया मैसेज कि सर ये क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं यार 7 साल की मैंने तो कभी सुनी नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा है कि आप ये वीडियो देखिएगा, मैंने वीडियो बारीकी से देखी, फिर वो लिंक पर भी गया, फिर वहाँ जब मैंने ऊपर से नीचे तक पढ़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो मुझे कहीं ना कहीं त्रुटि लगी। हो सकता है सर को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर ये वीडियो सर देखें तो एक बार आप एनालिसिस करें, और 7 साल की MBBS होगी तो ये पर्याप्त एविडेंस नहीं है। अगर आपके पास और कोई दूसरा एविडेंस है तो उसके बेसिस पर आप बताइएगा, अगर करेक्ट होगी तो 7 साल की MBBS है तो अपन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये रूल्स हैं बदलते रहते हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कजाकिस्तान में 6 साल की हो सकती है, जब 6 की हो सकती है 7 की हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये जो एविडेंस था ये परफेक्ट नहीं था। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों मैं भी YouTube पर वीडियो बनाता हूँ, हजारों लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं। YouTube कोई ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट कोई है कि आपको वीडियो बनाने से पहले कोई वेरिफिकेशन होता है या फिर कोई प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो में गाली भी यूज कर सकता हूँ, आपको गलत डाटा भी दे सकता हूँ, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। तो YouTube पर दी हुई सारी जानकारी को आप 100% सत्य ना समझे। कई बार मेरे से भी गलत जानकारी दे दी है और वो मैंने जानबूझकर नहीं दी। कई बार क्या होता है मेरे पास उड़ती उड़ती कोई हवा में न्यूज आती है, वो अपन क्या है कि YouTube पे बहुत कंपटीशन हो गया है तो कंटेंट देने के लिए या फिर कुछ लोगों की नजरों में आने के लिए प्रयास करते हैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन जल्दबाजी में व्यू के चक्कर में हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए YouTube पे दी हुई सारी जानकारियों को 100% सत्य ना समझे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों मेरी इस वीडियो बनाने से वेद प्रकाश बेनीवाल सर को तनिक भी अगर गंदा लगा हुआ है तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहूंगा। ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंटों के लिए बनाई हुई है जो आउट ऑफ इंडिया जाने का सपना सजे हुए हैं और 1-2 साल से सिर्फ क्वालिफाइड होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और वो इस बार क्वालिफाइड हो गए, लेकिन इस वीडियो से कहीं ना कहीं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और वो अपने फैसले को बदल रहे हैं। तो उनके लिए एज ए सफाई में वीडियो बनाइए, बाकी किसी को नीचा दिखाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं भी सर की इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ जितना आप करते हो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।